आकांक्षा नाज़रीन, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ उन तमाम साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जो गंदम के परहेज़ के बाद सीलिए के मरीज़ों को दरपेश होते हैं। मैं ना सिर्फ आपको इनके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बताऊँगा बल्कि इंशाल्लाह ताला उसका मुनासिब हल भी आपको बताऊँगा। ये वो तमाम बातें हैं जो हमने साला साल के तजर्बे के बाद हासिल की। इसके अलावा कुछ सवाल ऐसे हैं जो लोगों ने हमसे पूछे हैं और हम मुनासिब तरीन उसका जवाब ऐसे कमेंट्स में भी दे चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद मैंने सोचा कि उसको हम इस क्लिप में भी शामिल करें ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये बात हमारी पहुंच सके। मैंने इब्तिदा में जो साइड इफ़ेक्ट्स की बात की, उन साइड इफ़ेक्ट्स में सबसे अहम प्रॉब्लम जो सीलिए के मरीज़ों को दरपेश होता है वो है माइंड फोग। इस माइंड फोग को आप ब्रेन फोग भी कह सकते हैं और ये बहुत अजीब सी एक तकलीफ़ का नाम है जो दिमाग में महसूस होती है। ये सर दर्द नहीं है और ना तो ये चक्कर आते हैं, वो भी नहीं है। जो आँखों के गिर्द अंधेरा छा जाता है ये वो भी नहीं है। ये एक बहुत अजीब सी कैफियत का नाम है जिसमें आपको अपना ब्रेन खाली खाली सा महसूस होता है और इसका वाहिद फौरी तौर पर तो हल यही होता है कि आदमी थोड़ी देर के लिए लेट जाए, सुकून कर ले तो उसको थोड़ा बहुत आराम मिल जाता है, लेकिन जो ही वो उठ के काम का शुरू करता है उसको दोबारा से ब्रेन फोग फील होने लगता है। इस ब्रेन फोग का सबसे पहले तो मैं आपकी इसकी वजह बता दूँ। इस ब्रेन फोग की जो वजह है, मेन कॉज जो है वो है खून में आयरन की कमी का होना। खून में आयरन की कमी का सामना तकरीबन हर सीलिएक पेशेंट को करना पड़ता है। आयरन की कमी के लिए आप जानते हैं कि डॉक्टर्स ज़्यादातर फोलिक एसिड या कोई आयरन की टैबलेट्स वगैरह, जो हाई पोटेंसी आयरन की टैबलेट्स होती हैं, वो एडवाइस करते हैं। मैं आपको इस तरह की कोई मेडिसिन एडवाइस नहीं कर सकता, ज़ाहिर है कि क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन आप अपने कंसल्टेंट से ज़रूर पता कर सकते हैं मल्टीविटामिन टैबलेट्स के बारे में, आयरन के बारे में, या प्रोटीन की कमी को दूर करने के लिए, आयरन की कमी को दूर करने के लिए आप अपने डॉक्टर से मशवरा करें। जो आपके सीलिएक के मरीज़ मौजूद हैं घर में, उनके जो डॉक्टर्स हैं उनसे आप ये तमाम बातें पूछें, वो आपको यकीनन कुछ ना कुछ आपको इसका हल बताएंगे। मेरी मिसेज भी हाइपरटेंसिव आयरन की टैबलेट्स लेती रही हैं, अभी भी लेती हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि हफ्ता 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद उनके साथ ये ब्रेन फोग का मामला होता है तो वो समझ जाती हैं कि अब उनको ये टैबलेट लेना शुरू कर देनी चाहिए। वो एक दो रोज़ ये टैबलेट लेती हैं और इन टैबलेट्स के लिए आप ये याद रखें कि आयरन की टैबलेट्स जब भी ली जाएंगी उसके साथ दूध नहीं लिया जाता। हमारे यहाँ ये सबसे बड़ा एक कॉन्सेप्ट है कि जी आप जो भी हाइपोटेंसिव टैबलेट लें उसके साथ दूध ज़रूर लें ताकि उसके भारीपन को ख़त्म किया जा सके, मेडिसिन के भारीपन को ख़त्म किया जा सके या उसके साइड इफ़ेक्ट्स को कम किया जा सके, लेकिन हर चीज़ का इलाज दूध नहीं होता, ये जहन में रखें। आयरन की टैबलेट्स जब भी आप लेंगे उसके साथ दूध नहीं लेंगे। सीलिएक के मरीज़ों को दूसरा बड़ा साइड इफ़ेक्ट जिसका वो उनको सामना करना पड़ता है वो होता है लैक्टोज इंटॉलरेंस। लैक्टोज इंटॉलरेंस से मेरी मुराद ये है कि जो दूध या दूध से बनी प्रोडक्ट्स हैं उनसे भी कुछ लोगों को एलर्जी हो जाती है और ये सीलिएक के पेशेंट्स के साथ ऐसा अमूमन होता है। तो ऐसे लोग जो हैं वो दूध की कोई भी प्रोडक्ट नहीं ले सकते। देखिए, जो हमारे चैनल पर जितनी भी रेसिपीज़ आपने देखी होंगी उसके अंदर ज़ाहिर है कि हमने दूध से बनी चीज़ें, चीज़ से बनी चीज़ें आपको शेयर की। तो ये बात जहन में रखें कि मेरी फैमिली में कोई ऐसा सीलिए का पेशेंट नहीं है, मेरी मिसेज अकेली हैं जो सीलिए की पेशेंट हैं और उनको लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं है, जिसकी वजह से हम ये सारी चीज़ें बना सकते हैं, वो खा भी सकती हैं। जिन घरों में लैक्टोज के मौजूद हैं मरीज़ लैक्टोज इंटॉलरेंस के, उनको चाहिए कि उसके हिसाब से वो काम करें। देखिए, लैक्टोज एलर्जी जिन लोगों को होती है उनके लिए मार्केट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी मौजूद हैं जो उसका सब्स्टिट्यूट साबित होती हैं। सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको दूँ एक मशहूर टी वाइटनर की, जिसके बारे में बहुत बड़ी कंपेन भी चली कि जी ये दूध नहीं है, इसको इस्तेमाल करना बिल्कुल सही नहीं है और ये वो, लेकिन ये बात गलत है। ऐसी बात नहीं कि अगर वो दूध नहीं है तो वो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये टी वाइटनर जो है ये सफ़ेद लोबिया से और इस तरह की दूसरी दालों से हासिल किया जाता है, वेजिटेबल से हासिल किया जाता है, इसलिए हम इसको मुजरे सेहत नहीं कह सकते,
ये दरअसल एक सब्स्टिट्यूट है उन लोगों के लिए जो लैक्टोज इंटॉलरेंस है। ये बेसिकली एक मेडिकेटेड शेप में आया था इब्तिदा में, बिल्कुल इसको मरीजों के लिए इस्तेमाल किया जाना था, लेकिन चूँकि इसके खवास जो थे बिल्कुल दूध जैसे थे तो लोगों ने इसको दूध के नमूल बदल के तौर पर लिया। पाकिस्तान के अंदर हम लोगों ने इसकी चूँकि पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा हुई, हमने ये समझ लिया कि ये दूध है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये दूध नहीं, ऐसा भी नहीं है कि ये जहर है। ये उन लोगों के लिए है जिनको लैक्टोज से एलर्जी होती है, तो आप दूध की जगह पे वो टी वाइटनर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा उस टी वाइटनर के अलावा भी मैं आपको बताऊं, मार्केट में कोकोनट मिल्क भी दस्तियाब होता है, नारियल का दूध भी दस्तियाब होता है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। उससे बनी चीज़ भी मौजूद होती है, थोड़ी महंगी है लेकिन वो भी आपको मिल जाएगी, किसी भी बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर से वो मिल सकती है आपको। नेक्स्ट क्लिप में इंशाल्लाह आपको मज़ीद साइड इफ़ेक्ट्स भी बताऊंगा और उसका हल भी आपको बताऊंगा। फ़िलहाल मैंने आपको लैक्टोज का और ब्रेन फोग का मैं आपको बता रहा हूँ हल। ब्रेन फोग के लिए मैंने आपको बता दिया कि आयरन इनरिच चीज़ें दें, जिस तरीके से हमारी पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने आपको चॉकलेट स्प्रेड बना के दिखाया था। छोटे बच्चे जो सीलिए के पेशेंट हैं उनमें आयरन की कमी को दूर करने के लिए आप ये चॉकलेट स्प्रेड तैयार करें, घर में तैयार करें ग्लूटीन फ्री, और वो बच्चों को दें, इंशाल्लाह ताला उनकी आयरन की कमी भी दूर होगी। उसके अलावा आयरन जिन जिन चीज़ों में मौजूद है वो आपको बखूबी इल्म है, सब्ज़ियों में, जिन सब्ज़ियों में मौजूद है, जिन फलों में मौजूद है, ये आप सबको मालूम है। और इसके अलावा जो आयरन की जो सबसे अहम जो सोर्स है वो है साबूदाना। आयरन के बारे में ये कहा जाता है कि ये जिन चीज़ों में शामिल होता है वो चीज़ें आमतौर पर काली पड़ जाती है, लेकिन साबूदाना वाहि चीज़ है जो कि सफ़ेद है और बिल्कुल सफ़ेद है, उसके बावजूद इसके अंदर आयरन बहुत ज़्यादा है। तो ये मिथ भी गलत साबित हुई कि जी आयरन जो चीज़ काली पड़ जाए उसमें आयरन होता है, ऐसा है बिल्कुल है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ जो काली पड़ जाए उसमें आयरन है, या जो चीज़ सफ़ेद है उसके अंदर आयरन नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। साबूदाना में भी आयरन मौजूद है और बहुत ज़्यादा मौजूद है, फ़ाइबर भी मौजूद है, प्रोटीन भी मौजूद है। साबूदाना एक बहुत बहुत ही सेहत बख्श किस्म की ग़िज़ा है, सीलिए के लिए बहुत एक जादू सा असर रखती है। एक मरतबा पहले भी मैंने आपको बताया था कि हमने साबूदाना का ब्रेकफास्ट अपने इस चैनल पे अपलोड किया हुआ है साबूदाने के ब्रेकफास्ट के बारे में, और उसका लिंक अभी आप देखेंगे ऊपर नज़र आ रहा है, आपको कार्ड नज़र आ रहा है, उस कार्ड को क्लिक करें और आप साबूदाने से बने ब्रेकफास्ट को इंजॉय करें। लेकिन ये जो साबूदाने का ब्रेकफास्ट है इसके अंदर हमने खजूरें भी डाली हैं, इसमें हमने ड्राई मिल्क भी डाला है, तो वो मरीज़ जो कि शुगर भी रखते हैं, वो मरीज़ बच्चे, एक खातून हैं जिन्होंने मुझे बताया कि उनकी बेटी को सीलिए के साथ साथ शुगर भी है, तो जाहिर है कि वो इस ब्रेकफास्ट को यूज़ नहीं कर सकती, लेकिन उसका एक हल मौजूद है कि आप इस साबूदाने की खिचड़ी भी बना सकते हैं। उस साबूदाने की खिचड़ी बिल्कुल उसी तरह से बनेगी जिस तरीके से एक नॉर्मल खिचड़ी बनती है, बस आप चावल की जगह साबूदाना डाल देंगे। साबूदाने को पहले आप कुछ देर के लिए भिगो दें और फिर उसके बाद उसको दाल के साथ बिल्कुल उसी तरह से बना लें जिस तरह से खिचड़ी बनाई जाती है, और वो अपने बच्चे को दें। साबूदाना तासीर में ठंडा होता है, अब सर्दियाँ आने वाली हैं इसलिए मैं आपको बता दूँ, साबूदाना जब भी आप बनाएं साथ में दो अदद लौंग ज़रूर डाल दें ताकि उसकी ठंडी तासीर को कम किया जा सके, उसको बैलेंस किया जा सके। आज जो हम आपके लिए रेसिपी लेकर आए हैं वो है गार्लिक चीज़ ब्रेड की। गार्लिक चीज़ ब्रेड जो है ये नॉर्मली हमने अपने चैनल पे पहले भी इसकी रेसिपी हमने शेयर की थी, लेकिन वो ग्लूटीन फ्री रेसिपी नहीं थी, उसमें जो ब्रेड इस्तेमाल हुआ था वो एक नॉर्मल गंदम से बना हुआ ब्रेड था, वो एक नॉर्मल रेसिपी थी, नॉन ग्लूटीन फ्री रेसिपी थी वो। और अब जो हम दे रहे हैं आपको वो ग्लूटीन फ्री रेसिपी है, और इस रेसिपी में आप देखेंगे कि बहुत सारे फ़ायदेमंद किस्म के अज्जा हमने शामिल किए हैं जो कि सीलिए के पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इस रेसिपी में आप देखेंगे इसमें बहुत सारी फ़ायदेमंद चीज़ें मौजूद हैं, इसमें अपने ढेर सारी मोज़रेला चीज़ रखी है सैंडविच के दरमियान में जो कि हाई प्रोटीन एक इंग्रेडिएंट है। इसके अलावा ढेर सारा इसमें लहसुन भी हमने चॉप करके डाला है और इसी वजह से इसको गार्लिक सैंडविच कहते हैं और गार्लिक चीज़ सैंडविच कहते हैं इसको। और जो ब्रेड है डेफिनेटली वो भी ग्लूटीन फ्री है, जो हमने पिछले दिनों बनाई थी ये उसी के स्लाइस उसी वक्त ये रेसिपी तैयार की थी हमने, और उसको अब हम शेयर करने जा रहे हैं। और आप इस तरह से ये सैंडविचेस बनाएं, अपने सीलिए पेशेंट्स को दें, हाई प्रोटीन डाइट दें ताकि वो जो कमज़ोरी महसूस करते हैं
गंदम के बग़ैर उस कमज़ोरी पे वो काबू पा सकें। आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ और देखते हैं कि ये रेसिपी किस तरह से तैयार होती है।
तो जनाब ये थी हमारी आज की रेसिपी और सीलिएक के बारे में। जो दो साइड इफ़ेक्ट्स मैंने आपको बताए हैं, एक है ब्रेन फोग के बारे में जो कि आयरन की कमी की वजह से होता है, और दूसरा जो मैंने आपको साइड इफ़ेक्ट बताया है वो है लैक्टोज इंटॉलरेंस का। तीसरा एक और साइड इफ़ेक्ट जो कि खातून का मैंने जिनका जिक्र किया जिनकी बेटी को शुगर है, तो शुगर भी ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को हो। लैक्टोज इंटॉलरेंस भी ज़रूरी नहीं कि सबको हो, किसी को होती है किसी को नहीं होती। इसी तरह से ब्रेन फोग भी किसी को होता है किसी को नहीं होता। सीलिए के मुख्तलिफ पेशेंट्स हैं और उनको मुख्तलिफ साइड इफ़ेक्ट्स का सामना करना पड़ता है। एक और भी साइड इफ़ेक्ट्स मैं आपको चलते चलते बता दूँ कि वो होता है जॉइंट पेन, जो मैं जैसा कि मैंने आपको पहले साबूदाने के बारे में बात करते हुए आपको बताया था कि घुटनों की तकलीफ़ मेरी मिसेस को हुआ करती थी, इसी तरीके से जॉइंट पेन भी होता है, जोड़ों का दर्द भी कुछ सीलिए के मरीज़ों को महसूस होता है, किसी को घुटने में, किसी को कोहनी में, किसी को कलाई में। तो उसका हल भी मैंने आपको बताया कि वो भी आयरन की कमी, आयरन डेफिशिएंसी की वजह से होता है। इसके लिए भी आप साबूदाना इस्तेमाल करें मैक्सिमम, और बाकी साइड इफ़ेक्ट्स इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे, साथ में आपको हल भी बताएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। जहां जहां आपके गंदम से एलर्जी के मरीज़ मौजूद हैं आपके जानने वालों में, आपके अजीज़ों अकारीब में, उनको ज़रूर हमारे चैनल के बारे में बताएं। अपनी दुआ में याद रखें। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।